हेलो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स और तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन रेड वर्जन के गेम प्ले के पार्ट 6 में। आज जाने वाला हूँ मैं बर्मेलिन सिटी। तो तुम्हें बता दूँ लास्ट एपिसोड में मेरे साथ क्या हुआ। तो लास्ट एपिसोड में मैंने जिम बैटल किया था मिस्टी से और मिस्टी को हरा दिया है मैंने जिम बैटल में। मुझे कैस्केड पैच मिल चुका है। तो चलो अब बर्मेलिन सिटी चलते हैं। ये घर के पास पुलिस क्या कर रहा है। द पीपल हियर आर रॉब्ड। इट्स ऑब्वियस दैट टीम रॉकेट इज बिहाइंड दिस मोस्ट हेरेलेस क्राइम। इवन आवर पुलिस फोर्स हैज ट्रबल विद रॉकेट्स। तो टीम रॉकेट ने इस घर को लूट लिया है। क्या लूटा है इनसे पूछते हैं। टीम रॉकेट मस्ट बी ट्राइंग टू डिग देयर वे इनटू नो गुड। क्या खोदना चाहते हैं टीम रॉकेट। ट्रेजर्स, इससे बात करता हूँ, ये बताएगा मुझे। दोज मिजरेबल रॉकेट, लुक व्हाट दे डिड हियर। दे स्टोल ए टीएम फॉर टीचिंग पोकेमोन हाउ टू डिग होल्स। That cost me a bundle. It did. तो इधर से एक TM चोरी किया है डिग करने वाला। अरे ब्रो, टीम रॉकेट का मेंबर मिल गया। रुको, इससे अभी मैं TM छीनता हूँ। Hey, stay out. It's not your yard. हाँ, me? हाँ भाई, कौन है तू? I am a innocent bystander. क्या फेंक रहा है तू? Don't you believe me? कोई भी नहीं बिलीव करेगा ब्रो, ऐसे बोलेगा तो तू। इस टीम रॉकेट के मेंबर को बता दे कि असली पोकेमोन ट्रेनर किसे कहते हैं। तो ये टीम रॉकेट का मेंबर मुझसे बैटल करना चाहता है। तो इसके पास है मैच चॉप, वो भी 17 लेवल का। तो पिकाचू यूज थंडर शॉक। तो फर्स्ट थंडर शॉक, दो थंडर शॉक से ये इसका मैच ऑफ फेंडेड हो गया और पिकाचू ग्रो टू लेवल 24। अब ये ड्रॉजी को यूज़ करने वाला है। तो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ 4 मिलियन और मुझे 4 मिलियन को बहुत ट्रेन करना है। इसका भी एक रीज़न है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। ओके, तो 4 मिलियन ग्रो टू लेवल 23, बाद में बताता हूँ। स्टॉप, आई गिव अप, आई विल लीव क्वालिटी Quietly. Okay, I will return the TM I stole. Okay, तो मुझे मिल गया उस बंदे का TM. I better get moving. Bye. अबे मुझे bye बोल रहा है, क्या बकचोदी है। चलो इसको लौटाते हैं इसका TM. I figure what's lost is lost. I decide to teach Diglett how to dig without a TM. तो इसने decide किया है कि ये उसके डिगलेट को डिग करना सिखाएगा बिना कोई टीएम के। तो ये टीएम मैं रख लेता हूँ। वैसे मैं इस टीएम को किसके ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। डिग अटैक बहुत ही एक अच्छा ग्राउंड टाइप अटैक है। तो मैं कौन से पोकेमोन को टीच करूँ। अभी अभी तो ये 4 मिलियन ही सीख सकता है, तो चलो 4 मिलियन को ही सिखाता है। वैसे इसका एक मूव तो बेकार है, लियर। हाँ, लियर से तुम डरा सकते हो किसी पोकेमोन को, डरा ही सकते हो ना। बताओ यार कॉमेंट में, मुझे मैं भूल गया, शायद डरा ही सकते हैं शायद। तो 4 मिलियन को मैंने डिग अटैक सिखा दिया है। तो एक मिनट, मुझे टाउन मैप में देखना पड़ेगा बर्मेलिन सिटी जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो एक सेकेंड रुको। मुझे ना ये 4 मिलियन को फर्स्ट में रखना है। अभी मुझे 4 मिलियन को इसीलिए ट्रेन करना है क्योंकि नेक्स्ट बर्मेलिन सिटी का जो जिम लीडर है वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन, मतलब इलेक्ट्रिक टाइप ट्रेनर है। तो इसके लिए अपना ये ग्राउंड टाइप मूव तो बहुत ही काम होगा और अपना 4 मिलियन तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको ही ट्रेन करूँगा अभी पे। तो अभी ये मैप कैसा है यार, कैसे वर्क करता है ये मैप। रुको, बर्मेलिन सिटी उस तरफ से तो नहीं जा सकते। मैंने देखा तो उधर एक ट्री था छोटा सा, उसको कट अटैक सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस ट्री को कट कर सकते हैं। लेकिन बर्मेलिन सिटी जाने के लिए हमें सीधा जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ओके, तो चलो सीधा चलते हैं। बर्मेलिन सिटी जाने के लिए हमें सीधा जाना पड़ेगा। ओके, तो चलो चलते हैं, हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। ये रॉड किसने लगाया है इधर, और उस तरफ क्या है भाई। हाँ, इधर क्या है, कुछ तो है इधर, देखना पड़ेगा। अभी इधर एक हाउस है। ओके, तो इस हाउस के अंदर जाने के लिए हमें उस तरफ से जाना पड़ता, इधर से आना पड़ता हमें। तो चलो इस हाउस के अंदर चलते हैं, देखते हैं इस हाउस के अंदर होगा कौन, क्या है इस हाउस के अंदर। अभी पता चल जाएगा, अंदर चलते हैं। ऐसे ये हाउस है क्या, किस चीज़ के लिए है। आई रन ए डे केयर, विल यू लाइक मी टू राइज ऑन ऑफ योर पोकेमोन। ओ, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना डे केयर में पिजी को रख देते हैं। फाइन, आई विल लुक आफ्टर पिजी फॉर ए वाइल, कम सी मी इन वाइल। ओके, बैक ऑलरेडी। अच्छा, एक मिनट, अगर मुझे लेना होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, पैसे देने पड़ेंगे इनको। नाइस बिजनेस। तो मैंने पीजी को इसलिए रखा क्योंकि अभी मैं उसे ट्रेन नहीं कर रहा था। एक मिनट, आई एम ऑन गार्ड ड्यूटी जी, आई एम थर्स्टी। तो
ओ वेट, दे आर दिस रोड आर क्लोज, तो रोड अभी क्लोज है। इधर एक और हाउस है, ये क्या है, बोर्ड में क्या लिखा है, अंडरग्राउंड पाथ सुरेलियन सिटी टू ब्रिमिलियन सिटी। तो इस अंडरग्राउंड पाथ से हम जा सकते हैं सुरेलियन सिटी से ब्रिमिलियन सिटी। हाई, डू यू हैव निडोरैन? नहीं, मेरे पास नहीं है, तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता। और जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि पिजी को लेने में सर्च से बैटल करने से पहले ही आ जाऊंगा, वैसे मैं भी इसे पिजी को ट्रेन व्रेन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने दे दिया टेक टेक केयर में। इससे थोड़ा बहुत ट्रेन भी हो जाएगा अपना पिजी। पीपल ऑफेंट लूज थिंग इन दैट अंडरग्राउंड पाथ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला, ये वैसे ही फेंक रही है, कुछ नहीं गिरा था उधर, एक चीज़ भी नहीं मिला। और ये बोल रही है कि ये लड़की कैसे बोल सकती है कुछ नहीं मिला मुझे उधर, और बोल रही है कि खो देते हैं कुछ चीज़ें, तो ये मुझसे बैटल करेगा, मुझे पता है। देयर आर मैनी बग आउट देयर, किधर है? ओके, तो ये वीडल यूज़ करने वाला है, तो जल्दी से हरा देते हैं इसके बग टाइप पोकेमोन्स को। और इनको हराने में मुझे सिर्फ 5 या 10 सेकेंड्स लगे। नो यू आर किडिंग, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं ब्रो, तुम हार चुके हो। आई लाइक बग, सो आई एम गोइंग बैक टू प्रिडियन फॉरेस्ट। हाँ भाई, उधर जाके अपना घर बसा लो, उधर ही रह लो, क्यों आ रहे हो इधर? हाँ, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं हमें बताओ। हु देयर क्विट लिसनिंग टू अस। हाँ, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हें, लेकिन तुम मुझसे बैटल करना चाहते हो, तो ये तुमने गलत किया ब्रो, क्योंकि तुम गंदी तरह से हारने वाले हो मुझसे। स्क्वेडल लेके भी तुम नहीं जी सकते मुझसे, तो इसके स्क्वेडल का तो तोड़ दिया। आई जस्ट कैंट विन, हाँ, क्योंकि तुम मुझसे नहीं जी सकते, मैं बहुत ही अच्छा ट्रेनर हूँ, उस पर जितना करना है कर लो। अब ये लड़की जी क्या बोल रही है, एक्सक्यूज मी, दिस इज़ ए प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, तुम प्रोनाउंस में मत जाना, मैं बहुत ही वीक हूँ प्रोनाउंस में। और इसके रेडेटा को मैंने हरा दिया, अब ये यूज़ करने वाली है पीकाचू को, और पीकाचू का अटैक मिस हो गया था और डिग अटैक से हार गया ये। अभी 4 मिलियन रेज सीखने की कोशिश कर रहा है, रेज नहीं सीखूंगा, बहुत ही बेकार अटैक है ये, और कैंसिल करते हैं। और अपना पीके 4 मिलियन ना 24 लेवल का हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन 4 मिलियन। हाँ, मत सीखो रेज, रेज एकदम बेकार अटैक है। आई हेट लूजिंग, तो बैटल करना छोड़ दो, लूज करना छोड़ दोगे तुम, उस पर ही करो। तो आगे बढ़ते हैं, वैसे मुझे जाना है ब्रिमिलियन सिटी, बहुत टाइम हो गया। आई हैव नेवर सीन यू अराउंड, आर यू गुड? क्या बात कर रहे हो ब्रो, मेरे पास 2 बैजेस है और तुम बोल रहे हो कि आर यू गुड? बटरफी, अभी इसके बटरफी ने मेरे 4 मिलियन को पैरालाइज तो कर दिया था, लेकिन टिक नहीं पाया, वैसे मुझे एक कैडे भी पकड़ना चाहिए था, बटरफी भी एक अच्छा पोकेमोन है, ऐश ने पकड़ा था, यू आर टू गुड, और मुझे भी चाहिए था, लेकिन आर माई पोकेमोन वीक और आई एम जस्ट बैड? नो ब्रो, तुमने मुझे अच्छा टक्कर दिया, तुम्हारा पोकेमोन ठीक है, बस तुम्हें और भी कुछ पोकेमोन पकड़ने चाहिए बैटल करने के लिए। ओके, तो पैरालाइज को हटाते हैं पैरालाइज हिल से, तो 4 मिलियन का पैरालाइज तो हटा दिया हमने। अब चलो, इनसे ये 2 ट्रेनर बचे हैं, इनसे भी बैटल करना पड़ेगा मुझे, और उसके बाद मैं बर्मिलियन सिटी पहुँच जाऊँगा। मी वेल ओके आई विल प्ले। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि मैं एक कैडेपी पकड़ूंगा शायद पोकेमोन फायर रेड में दोबारा खेलूँ, तो क्योंकि वो जो वीडियो बना के रखा है मैंने, उनको तो सबको डिलीट करने वाला हूँ मैं। इसके पास है पीजी 3 लेवल का, अभी 3 लेवल नहीं, 3 पीजी है इनके इसके पास, और मैं 3 लेवल का, 16 लेवल का है पीजी, तीनों तीनों ही। तो अभी पीके 4 मिलियन का एचपी बहुत ही कम था, इसीलिए मैंने स्विच कर लिया। अब पीके जो बैटल करेगा, जस्ट डोंट वर्क, यस, तुम्हारे से कुछ काम नहीं होता। आई वॉन्ट टू गेट स्ट्रॉन्गर, वॉट योर सीक्रेट? सीक्रेट कुछ नहीं है, बस ट्रेन करो तुम, और मैं क्यों बताऊँ? हाँ, यू वॉन्ट टू टॉक टू मी? नहीं, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्प नहीं है, फिर भी तुम मुझसे बैटल करना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पोकेमोन स्ट्रॉन्ग बनते हैं बैटल करने से। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, मैं भूल गया यार क्या बोल रहा था, तो भूल गया, तो जाने दो, इसको इग्नोर करो। तो इस बंदे को भी मैंने हरा दिया, और आई शुड कैरी मोर पोकेमोन विथ मी फॉर सेफ्टी, यस, और भी पोकेमोन पकड़ो और पोकेमोन को भेज दो। अबे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, तो पोकेमोन सेंटर में मैं अभी अभी मैं रेस्ट करने वाला हूँ, तो पहले हील कर लेता हूँ अपने पोकेमोन नर्स चॉइस से। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहो। और मैं जैसा कि बोल रहा था कि मैं फायर रेड खेल चुका हूँ और वीडियो भी बनाया है मैंने, तो उन सारों को मैं डिलीट करूँगा और फिर से रिकॉर्ड करके डाल